साथ एक मीटिंग आप ली है, क्या उद्देश्य था इन मीटिंग का और किस तरीके से आगे की स्थिति को पेश किया है? देखिए, कोरोना से लड़ने का एकमात्र जो माध्यम है वो ये है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू जो है बहुत सख्ती से जारी रहे और कम से कम अगले 4-5 दिनों के लिए, और इस बीच में आवश्यक जो सेवाएं हैं खासतौर पर राशन की जो हम लोगों ने 13 चीज़ें निकाली हुई हैं उन चीज़ों की आपूर्ति में कोई बाधा न हो, लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम के द्वारा कचरा गाड़ी के साथ में ऑर्डर लेने की सुविधा प्रारंभ हुई है। उसी संबंध में आज सभी जिलों को प्रत्येक वार्ड के हमने एक प्रभारी बनाए हैं, उन सभी की मीटिंग ली गई है। हमें 7 दिन हुए हैं इस व्यवस्था को लागू करते हुए, लगभग 1,00,000 से अधिक हम लोग घरों में ऑर्डर की डिलीवरी भी कर चुके हैं। हालांकि ये बात सही थी कि अभी तक हम लोगों को थोड़ा डिले हो रहा था, कहीं कहीं पर 3-4 दिन का भी समय लग रहा था सप्लाई पहुंचाने में, लेकिन हमने दुकानदारों की संख्या जब हमने ये 5 तारीख को शुरू किया था तो 231 दुकानदार हमारे साथ थे, आज हमारे साथ में 1,000 से ऊपर दुकानदार हो चुके हैं। सभी को ये निर्देश दिए गए हैं और जो पूरी प्लानिंग हुई है उस हिसाब से हुई है कि अगर आज हमको कोई ऑर्डर मिलता है तो हम लोग हर हालत में कल तक उसका सप्लाई कर दें। 1 दिन से ज़्यादा का डिले ऑर्डर में किसी हिसाब से नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सभी को निर्देश भी जारी किए गए हैं, कुछ उनकी जो समस्याएं थी वो भी सुनी गई हैं। प्रत्येक किराने वाले को हम लोग इस तरीके से भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर उसको लोडिंग रिक्शा की आवश्यकता है तो वो नगर निगम के द्वारा उसको फ्री में दिया जाएगा, अगर उसको अन्य कोई भी सहूलियत चाहिए, लेबर की सहूलियत चाहिए, वो भी नगर निगम के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन किसी भी हालत में 1 दिन से ज़्यादा का डिले ऑर्डर की सप्लाई में न हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे और आज से आप लोगों को ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सर, क्या टूट फूट डिलीवरी के साथ साथ जो किराना दुकानें हैं वहाँ से भी लोग परचेसिंग कर सकते हैं? जी नहीं, ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जो किराना दुकानों को हम लोगों ने परमिशन दी है वो इसी शर्त पर दी है कि उनकी दुकान पर एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, केवल और केवल होम डिलीवरी वो लोग करेंगे, ऑर्डर हमारे कचरा गाड़ियों के माध्यम से, या अगर उनको फोन पे ऑर्डर मिलते हैं वो भी चलेगा, फोन के माध्यम से भी वो ऑर्डर नोट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर की सप्लाई है वो केवल और केवल डोर स्टेप पे हो सकती है। कहीं भी किसी भी हालत में व्यक्ति को आना अलाउड नहीं है, और इवन जब वो दुकान वाले पैकेजिंग भी कर रहे हैं उस समय भी उनके शटर जो है वो बंद होने चाहिए, वो शटर नहीं खुले होने चाहिए, वरना हम लोगों ने चेतावनी दी है उसके ऊपर कार्रवाई। थैंक यू। ये है बना ले रखे, नाम किसका दिया था? मंडलेश्वर में आपके उसपे कहाँ है मंडलेश्वर? घर है उनका? अच्छा, चलो उसको बता देना, मैं करवा दूंगा, वहाँ से निकलवा दूंगा। 6 नंबर? अच्छा ठीक है। आप तुम ज्यादा पास आ? ठीक है। 8 नंबर? फोटो खींचना हो फोटो नहीं लगवाना। आ गए सभी लोग? चलो लोग हैं यहाँ। 9 नंबर? हाँ मिलोगे, आगे आओ।